छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालिग्राम उर्फ सौरभ गर्ग और जीतू तिवारी को अदालत से जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि 11 फरवरी को सालिग्राम और जीतू तिवारी पर कथित तौर पर आरोप लगा था कि उन्होंने गांव में एक दलित बेटी की शादी के दौरान कट्टा लहराते हुए उपद्रव किया था। इन लोगों पर इस परिवार के साथ गाली गलौज करने, उन्हें जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगे थे। इस मामले में छतरपुर जिले की बमीठा थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मुकदमा पंजीबद्ध किया था। आरोपियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के साथ साथ आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी। इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छतरपुर पुलिस अधीक्षक ने SDOP राजनगर मनमोहन बघेल को कमान सौंपी थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर गुरुवार के दिन छतरपुर के न्यायालय में पेश किया गया। छतरपुर में विशेष न्यायाधीश उपेंद्र प्रताप सिंह ने आरोपियों के पक्ष और फरियादी के पक्ष को सुना और इसके बाद दोनों ही आरोपियों को जमानत दे दी। मामला ऐसा है कि बागेश्वर धाम से सालिग्राम जी को उनको गिरफ्तार किया गया था 25-27 आर्म्स एक्ट और 323-294-506B के तहत। साथ में एक आरोपी अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया था, जिसे पुलिस ने आज स्पेशल कोर्ट में पेश किया, चूँकि उसमें हरिजन एक्ट के मामले दर्ज किया गया था और उसके तहत यहाँ पर सुनवाई हुई। CL पटेल साहब वकील साहब थे, उन्होंने उसमें अपनी बहस की और इस उपरांत न्यायालय द्वारा आदेश पारित की 25-25 हज़ार रुपये की जमानत का आदेश पारित किया गया है। अब देखिए, जो भी डेट डिसाइड कोर्ट से होगी उसके आगे उसमें डेट में सुनवाई की जाएगी और अभी तो उनको जो जमानत मिली है उनके मुचलके पे, अब साहब जे कट्टा जो दिखाया गया है उसको चार्जशीट पढ़ के ही बता पाएंगे। अभी तो फरियादी उसमें लड़के पक्ष से है, उसमें फरियादी दोनों को जमानत अदालत ने दी है। स्पेशल कोर्ट से ही उनकी जमानत हो गई है 25-25 हज़ार रुपये। हाँ, दोनों को।